स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की दिल्ली में होने वाली शो रद्द, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी इजाजत। मुनव्वर फारूकी का 28 अगस्त को होना था शो, वीएचपी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शो रद्द करने की मांग की थी। पीएम मोदी का आज से दो दिन का गुजरात दौरा, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 7,500 महिलाओं के साथ चरखा भी चलाएंगे, 1,25,000 वर्ग फीट में तैयार किया गया पंडाल। पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर अटल ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे, फुटओवर ब्रिज रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी किनारे को जोड़ेगा। स्टील से बना अटल ब्रिज 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है, ब्रिज का इस्तेमाल पैदल और साइकिल चालक कर सकेंगे। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ग्लोबल सर्वे के मुताबिक बाइडेन को पछाड़कर मिली है 75% रेटिंग। जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मनोनीत आज 10:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी पद की शपथ। जस्टिस यूयू ललित का 74 दिन का होगा कार्यकाल, कहा लिस्टिंग सिस्टम को और दुरुस्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा न्यायपालिका और आम जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। जस्टिस एनवी रमना का बयान, पेंडिंग मामलों की लंबी फहरिस्त एक बड़ी चुनौती है। नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने की तैयारी पूरी, रविवार को 400 से अधिक पुलिस बल रहेगी तैनात। एनडीआरएफ ने रविवार को एहतियातन 8 एम्बुलेंस की मांग की है, 4 फायर टेंडर रहेंगे मौके पर मौजूद, 3 अस्पताल में बेड किए गए हैं रिजर्व। ट्विन टावर को गिराने से पहले एक नॉटिकल मील एयर स्पेस को बंद किया जाएगा, विमान को उड़ान भरने की नहीं होगी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्विन टावर्स को फ्लैट खरीदारों को पूरा पैसा वापस किया जाएगा, IRP से 1 करोड़ रुपए जमा करने को कहा। सोनाली फोगाट की मौत में बड़ा खुलासा, सोनाली को जबरन सिंथेटिक ड्रग्स MDMA दिया गया था। आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर से पूछताछ में कबूल किया, 22 अगस्त की रात सोनाली को 1.5 ग्राम MDMA दिया। सुधीर और सुखविंदर ने जूस में ड्रग्स मिलाकर सोनाली को पिलाया, सोनाली के मना करने पर जबरन 2 बार पिलाया गया ड्रग्स में मिलाकर जूस। ड्रग्स पीने के बाद होश में नहीं थी सोनाली, सुधीर और सुखविंदर ने 2 घंटे तक उसे टॉयलेट में बंद रखा। पुलिस ने कहा पैसे के लेन देन के चक्कर में मर्डर हुआ, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोनाली फोगाट की मौत से ठीक पहले की तस्वीर आई सामने, लड़खड़ाती हुई दिखी, सुधीर ने सोनाली को पकड़ के रखा था। फोरेंसिक टीम ने अंजुना बीच के कर्लिस नाइट क्लब में पड़ताल की, वॉशरूम को किया गया सील। गोवा पुलिस की जांच पर सोनाली फोगाट के भाई ने जताया भरोसा, कहा कि CBI जांच की अभी जरूरत नहीं। सोनाली फोगाट का हिसार में किया गया अंतिम संस्कार, बेटी यशोधरा ने अपनी मां को मुखाग्नि दी। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को कांग्रेस नेता आयशा फरीन ने धमकी दी, जान से मारने की धमकी का वीडियो वायरल हुआ। आयशा फरीन ने धमकी देने के वीडियो पर किसी तरह के अफसोस से इनकार किया, कहा मैं माफी नहीं मांगूंगी, राजा ने किया शहर का माहौल खराब। आयशा फरीन ने पुलिस पर कार्रवाई ठीक से नहीं करने का भी आरोप लगाया, कहा कि दंगे के लिए पुलिस और सरकार जिम्मेदार। तेलंगाना के आदिलाबाद में राजा सिंह के समर्थन में प्रदर्शन, हर घर राजा सिंह के नारे के साथ निकाली गई रैली। लखनऊ में कट्टरता से परेशान होकर एक मुस्लिम जोड़े ने अपनाया हिंदू धर्म, मुख्तार अंसारी के नाम से मिल रही है जान से मारने की धमकी। हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक ने 14 साल पहले किया था प्रेम विवाह, हिंदू लड़की से शादी करने पर युवक को किया जा रहा था प्रताड़। हिंदू धर्म अपनाने के बाद दोनों को अब मिल रही है धमकी, खौफ की वजह से 10 दिन से घर में बंद है दोनों पति पत्नी। यूपी के शाहजहांपुर में पिज्जा डिलीवरी बॉय को मारी गई गोली, 200 रुपए का फटा नोट लेने से इनकार करने पर मारी गोली। पुलिस ने नदीम खान और नईम को किया गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल भी बरामद की। पिज्जा डिलीवरी बॉय सचिन कश्यप की हालत गंभीर, बरेली के अस्पताल में भर्ती किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2:30 बजे रायपुर में करेंगे NIA के दफ्तर का उद्घाटन, मोदी @20 सेमिनार में लेंगे हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का आज एक दिन का तेलंगाना दौरा, हनमकोंडा में प्रजा संग्राम यात्रा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा हनमकोंडा के लिए मारे गए लोगों को परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, कुछ खिलाड़ियों लेखकों और फिल्म कलाकारों के साथ भी चर्चा होगी। सीएम योगी आज गाजियाबाद और बुलंदशहर का करेंगे दौरा, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक और कई परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी शुक्रवार को मेरठ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिले, जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम योगी की मेरठ नगर निगम को सौगात, 76 गाड़ियों और 5 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि 8 साल में देश एक नया भारत बनने की ओर बढ़ा है, डिजिटल क्रांति का फायदा सबको मिला। झारखंड की सोरेन सरकार पर आज गिर सकती है गाज, राज्यपाल चुनाव आयोग को सीएम हेमंत सोरेन को आयोग ठहराए जाने के मामले पर भेज सकते हैं सिफारिश। सीएम हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर भी लग सकती है रोक, बीजेपी और JMM के बीच बैठक होने की खबर। JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के कई विधायकों से संपर्क होने का दावा किया, कहा सीएम हेमंत सोरेन का कोई दूसरा विकल्प नहीं। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम बोले, हमें अपने विधायकों और मंत्रियों पर पूरा भरोसा है। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर विधायकों की मीटिंग, चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर तैयार की रणनीति। कांग्रेस झारखंड चीफ अजय ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन के सभी 50 विधायक सीएम सोरेन के साथ। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सीएम सोरेन पर तंज, कहा अगर चोर कहे कि हम चोर नहीं तो कौन मानेगा।
सीएम सोरेन ने लातेहार में विकास मेला में शामिल होकर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। नेतरहाट फायरिंग रेंज पर बोले हेमंत सोरेन, अब इस समस्या का समाधान सरकार ने कर दिया है, आंदोलन में शामिल लोगों पर से मुकदमे वापस लेगी सरकार। गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया, कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव को देखते हुए पार्टी की पहली यूनिट राज्य में गठित होगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा, फिलहाल राष्ट्रीय दल बनाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर चुनाव पर है नजर। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी सोनिया गांधी को लिखा 5 पन्नों का खत, राहुल गांधी पर बोला हमला। गुलाम नबी आजाद का आरोप, राहुल जब अध्यक्ष थे तब पीए और सिक्योरिटी गार्ड लेते थे फैसले, कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनाया। आजाद का कांग्रेस पर भी जोरदार अटैक, कहा कि पार्टी के पास ना इच्छा शक्ति बची और ना ही काबिलियत। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पूर्व मंत्री आरएस चिब और 5 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। आजाद के इस्तीफे पर आरएस चिब का बयान, उनके पास पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जयराम रमेश ने आजाद पर धोखा देने का लगाया आरोप, कहा जीएनए का डीएनए मोदी फीड हो गया हो। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुसीबत के वक्त पार्टी छोड़ना पार्टी के साथ धोखा है। इस्तीफे के बाद कांग्रेस का पलटवार, अशोक गहलोत बोले, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आजाद, उन्हें पार्टी से सब कुछ मिला। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि गुलाम नबी के पार्टी छोड़ने से कोई नुकसान नहीं। पवन खेड़ा का गुलाम नबी पर अटैक, बोले ये भी हो सकता है कि कांग्रेस आजाद हुई। सलमान खुर्शीद का आजाद पर निशाना, कहा कि एक बार आपको कुछ नहीं मिला तो पार्टी को नुकसान पहुंचाना सही नहीं। अजय माकन ने आजाद के इस्तीफे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा पार्टी छोड़ने का सही समय नहीं। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में आए आनंद शर्मा, कहा कि बहुत आहत हुए होंगे, 50 साल पार्टी में रहने वाले को इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले जयवीर शेरगिल का भी तंज, कांग्रेस के भीतर कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने पर फारूक अब्दुल्ला ने जताया अफसोस, कहा कि आखिर क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। असम के सीएम का कांग्रेस पर तंज, राहुल गांधी बीजेपी के लिए वरदान साबित हुए, कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार बच जाएगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगी पद यात्रा, सांसद मनोज तिवारी के नेतृत्व में 10 बजे जंतर मंतर के कनॉट प्लेस से होगा मार्च। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर करेगी प्रदर्शन, मनीष सिसोदिया के घर रेड पर पूछेगी सवाल। दिल्ली में बीजेपी के विधायक आज 11 बजे करेंगे मॉक असेंबली, विधायकों का आरोप विधानसभा से असंवैधानिक तरीके से निकाला गया। बीजेपी के विधायकों ने लगाया आरोप, विधानसभा में उन्हें नहीं उठाने दिया जाता है जनता के मुद्दे, मॉक असेंबली में रखेंगे अपनी बात। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही 1 दिन के लिए बढ़ाई गई, सोमवार को भी होगी सदन में बैठक। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की तुलना सीरियल किलर से की, कहा कि चुनी हुई सरकारों को एक पैटर्न में मर्डर कर लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का दावा, ऑपरेशन लोटस में बीजेपी ने 5,500 करोड़ खर्च किए, अब तक 277 विधायक खरीदे। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, अगर गुजरात चुनाव लड़ना बंद कर दे तो जांच रुक जाएगी। विधानसभा में सीएम केजरीवाल का बयान, मेरी सरकार पर सारे आरोप झूठे, राष्ट्र विरोधी ताकतें मेरी सरकार गिराना चाहती हैं। विधानसभा में मनीष सिसोदिया का पीएम पर हमला, बीजेपी सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकार का कत्ल कर रही है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, खोखा खोखा 20 खोखा के नारे लगाए। मनीष सिसोदिया की बढ़ सकती है मुश्किल, एलजी ने स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में हुई अनियमितता पर मांगी है रिपोर्ट। अनुराग ठाकुर का सिसोदिया पर निशाना, वो स्कूल खोलने की बात करते हैं पर जगह जगह मधुशाला खोलते हैं। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने वर्कर्स पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपेटरी स्कूल का उद्घाटन, नजफगढ़ में 11:30 बजे होगा कार्यक्रम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आई दरार, सड़क पर बना लंबा गड्ढा, ट्रैफिक को रोका गया। सड़क मरम्मत का काम जारी, गड्ढा होने से ट्रैफिक किया गया जाएगा। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में घुसा पानी, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी, एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, किनारे के इलाकों में भरा पानी, शहर के अंदर घुसा पानी। यूपी के इटावा में बाढ़ से हालात खराब, बाढ़ग्रस्त इलाके में हालात का जायजा लेने पहुंचे डीएम, लोगों को मदद का भरोसा दिया। गांव में लोगों के बीच बांटी जा रही है राहत सामग्री, अब तक 1500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। राजस्थान से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के अररिया में आई बाढ़, 15 गांव प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में सीएम शिवराज की नजर, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर अगरतला पहुंचे, त्रिपुरा के शाही परिवार से करेंगे मुलाकात, सरबोंग आश्रम में भी एक मंदिर का करेंगे उद्घाटन। रायपुर में 10 से 12 सितंबर को होगी आरएसएस की अहम बैठक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ के सभी पदाधिकारी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में शिवसेना और संभाजी ब्रिगेड का गठबंधन, उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, कहा आने वाले चुनाव साथ लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए साथ आए हैं, महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत। राज ठाकरे की मुसीबत बढ़ी, पुलिस जांच में भड़काऊ भाषण से मिले सबूत, औरंगाबाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल में चक्कर खाकर गिरे, सीने में दर्द के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई पर अटैक, बोम्मई को आरएसएस की कठपुतली बताया। दिल्ली के नेपसराय में फायरिंग में एक बदमाश की मौत, दूसरा घायल, स्कूटी सवार दो बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी, सीसीटीवी की मदद से हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस। दिल्ली के नांगलोई में प्लास्टिक वेस्ट कबाड़ में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ी आग बुझाने में जुटी। फायर ब्रिगेड की टीम को आग पर काबू पाने में करनी पड़ी काफी मशक्कत, अधिकारियों के मुताबिक आग को फैलने से रोकने बड़ी चुनौती। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में एक शख्स ने पत्नी के शव को घर में किया दफन, आसपास के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की। अधिकारियों ने जिला प्रशासन को दी सूचना, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर करवाया गया अंतिम संस्कार। हरिद्वार में एक महिला ने पति और उसके दोस्तों पर रेप का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के जबलपुर में एक होटल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की रेड, हॉस्पिटल की जगह होटल में रखकर मरीजों का किया गया था इलाज। आयुष्मान कार्ड वाले लोगों को एडमिट कर दिया जाता था इलाज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के संभल में एक अस्पताल की पहली मंजिल पर चढ़ी भैंस, अस्पताल में मचा हंगामा। थाने में एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड, गोदाम से मिली 28 लाख से ज्यादा की नकली शराब। अंबाला के बलाना गांव में मिले एक ही परिवार के 6 शव, मरने वालों में 2 बच्चों की भी शामिल, पुलिस को मिला सुसाइड नोट। अरुणाचल के ईटानगर में एक महिला से 20 लाख की धोखाधड़ी, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम में पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन, अब तक 34 से ज्यादा अलकायदा से जुड़े आतंकी गिरफ्तार। असम के लखीमपुर में 70 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। प्रसाद खाने के बाद लोग हुए बीमार, सभी को डायरिया के लक्षण देखने को मिले, डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। यूपी के लखीमपुर में किसानों का प्रदर्शन, जिला गन्ना कार्यालय का घेराव किया गया, ऑफिस में अधिकारियों से मुलाकात हुई। जिला गन्ना ऑफिस के गेट पर जमी किसान गन्ना के बकाया पैसों की लगातार कर रहे हैं मांग, पैसों के भुगतान को लेकर लगाए नारे। हैदराबाद में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, डॉक्टर्स ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा। गोरखपुर में पशुओं के बाजार और मेला पर लगी रोक, नहीं होगी पशुओं की खरीद बिक्री, लंपी वायरस को देखते हुए सरकार ने दिया आदेश। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के मुताबिक गोरखपुर में लंपी वायरस का एक भी मामला नहीं है, पशुओं की सुरक्षा को देखते हुए बाजार को बंद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में धार्मिक न्यास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे रूट पर तेजी से हो रहा है काम, पर्यटन को लेकर मील का पत्थर साबित होगा। यूपी के अलीगढ़ में राज्य औद्योगिक केंद्र ने लगाया रोजगार मेला, भारी संख्या में नौकरी के लिए पहुंचे युवक, सैकड़ों लोगों को मिला रोजगार। अरुणाचल प्रदेश के किबुथू में सेना की नई पहल, गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायता की जा रही है। गाँव की महिलाओं के लिए सेना ने की बेकरी की शुरुआत, महिलाओं को कई तरह की बिस्किट सहित मिठाइयां बनाने की मिल रही है ट्रेनिंग। भारतीय नौसेना को मिली है 100% स्वदेशी 30mm AK-630 गन, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कोई भारत के सम्मान को ठोस पहुंचाएगा तो उसे निपटने की ताकत हमारे पास है। रक्षा मंत्री ने कहा कि समाज से स्कूलों को जोड़ने की जरूरत है, स्कूलों और कॉलेज में समाज सेवा विभाग भी होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, मंदिर में की पूजा अर्चना। राजनाथ सिंह शिवलिंग पर किए जलाभिषेक और दूधाभिषेक, रक्षा के लिए शिवलिंग का श्रृंगार करने के बाद लगाए नारे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तस्वीरें साझा की, मंदिर निर्माण की प्रगति की तस्वीरें जारी की गई। डीजीसीए ने 6 महीने के लिए हेलीकॉप्टर पायलट का लाइसेंस सस्पेंड किया, लैंडिंग के वक्त पायलट से हुआ था टेक्निकल फॉल्ट। यूजीसी ने 21 यूनिवर्सिटीज को फर्जी घोषित किया, सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। पुणे के यरवदा जेल में गणेश उत्सव को लेकर नई पहल, कैदियों ने बनाए इको फ्रेंडली गणेश की प्रतिमा। जेल में बिक्री के लिए लगाई गई गणपति की मूर्तियां, जेल अधिकारियों की लोगों से अपील, जेल में बने इको फ्रेंडली गणपति को खरीदें। एमपी के इंदौर में अहिल्या उत्सव की धूम, हजारों लोग पालकी यात्रा में शामिल हुए, महारानी अहिल्याबाई होलकर की डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है अहिल्या उत्सव। पालकी यात्रा के दौरान महिलाओं ने की पारंपरिक नृत्य, यात्रा में घोड़े पर बैठकर शामिल हुई लड़कियां, स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। यूक्रेन के सोलमियास्क में एक स्कूल पर रूसी हमला, इमारत हुई तबाह, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा, मामले में एफबीआई का बड़ा खुलासा, घर से बरामद 15 बक्सों में से 14 में गोपनीय दस्तावेज। एफबीआई ने ट्रंप के मारे लोगों आवास पर रेड का हलफनामा किया दाखिल, बरामद हुए दस्तावेज में 25 दस्तावेज टॉप सीक्रेट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप मामले में कमेंट करने से इनकार किया, कहा कोर्ट इस पर फैसला करे। इथियोपिया के ट्रिग्रे में सरकारी वायुसेना ने किया हमला, बच्चों ने एक स्कूल को बनाया निशाना। हवाई हमले में स्कूल की इमारत हुई तबाह, 2 बच्चों सहित 4 लोगों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान के कलाम से आई बड़ी बाढ़ की भयानक तस्वीर, स्वात घाटी में एक होटल देखते देखते पानी में धराशायी हो गया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सिंध के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की।
पाकिस्तान ने जून से बाढ़ में हुई मौत का जारी किया आंकड़ा। 343 बच्चों सहित 937 लोगों की बाढ़ में जिंदगी गई। पाकिस्तान में बाढ़ से 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 1,70,000 से ज्यादा घर हुए तबाह। 150 से ज्यादा पुल बहे। पाकिस्तान में बाढ़ से फैल रही है पानी से होने वाली बीमारी। बच्चे बन रहे सबसे ज्यादा शिकार। अस्पताल में दवाओं की कमी। पाकिस्तान के गृह मंत्री पर आतंकवाद का केस दर्ज। न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों को धमकी देने का आरोप। तनाव के बीच अमेरिका ने चीन को फिर दी चुनौती। ताइवान पहुंची अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न ने कहा कि ताइवान के साथ खड़ा है अमेरिका। गर्मी और कम बारिश से अमेरिका पर सूखे की मार। इस साल $3 बिलियन के आर्थिक नुकसान की आशंका। भारत के इस विदेशी मुद्रा भंडार में 6.6 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है। 19 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में करीब 564 अरब पहुंचा है विदेशी मुद्रा भंडार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, मौजूदा वित्त वर्ष में GDP 7.4% की दर से बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त उपहार का चुनावी ऐलान करने वाले दलों को नसीहत दी। संसाधनों पर बोझ ना बने, मुफ्त योजना के लिए बजट में करें प्रावधान। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का बयान। आयकर विभाग टैक्स चोरी की जांच के लिए मिशन मोड पर है। टाटा समूह लुधियाना में 2600 करोड़ का लगाएगा प्लांट। सीएम भगवंत मान ने सौंपा भूमि आवंटन पत्र। अमेरिका की भारत से अपील, रूसी तेल की मूल्य सीमा तय करने वाले गठजोड़ में हो शामिल। फीफा में भारतीय फुटबॉल महासंघ से बैन हटाया। बैन हटाने के बाद अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर के बीच होगा। भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में होंगे मैच। एशिया कप का आज से होगा आगाज। एशिया की 6 टीमें 15 दिन में खेलेंगी 13 मुकाबले। 11 सितंबर को होगा फाइनल। एशिया कप के पहले मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगा अफगानिस्तान। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बोले के एल राहुल, पाकिस्तान के साथ मैच चुनौती बनाए, हम तैयार। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान। कहा, विराट कोहली टीम के लिए नहीं अपने लिए रन बनाए। विराट कोहली 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। नवंबर में 2019 के बाद से वो एक भी शतक नहीं जमा पाए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दुबई में ICC एकेडमी में फैंस से मिले। प्रैक्टिस के दौरान फैंस की मांग पर मिलने पहुंचे रोहित। फैंस के साथ कप्तान ने की मस्ती। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जीती डायमंड लीग। ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 89.04 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीतकर इतिहास रचा। महाराष्ट्र के खेल मंत्री गिरीश महाजन का ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले को 50 लाख और सिल्वर जीतने वाले को 30 लाख मिलेंगे। प्रो कबड्डी लीग का नया सत्र 7 अक्टूबर से। स्टेडियम में दर्शकों को अनुमति होगी। अरबाज खान के टीवी शो तनाव का टीजर रिलीज हुआ। 2017 में कश्मीर में हुई मौत, विस्फोट और राजनीति की कहानी। सलमान खान ने बॉलीवुड में पूरे किए 34 साल। नई फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ऐलान भी किया। विजय देवरकोंडा की लाइगर ने की जबरदस्त ओपनिंग। पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 33 करोड़ से ज्यादा की कमाई। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा की रिलीज डेट का ऐलान। अगले साल 29 जून को बड़े पर्दे पर आएगी नजर। हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन की पत्नी जेनिफर पेवलिन ने दी तलाक की अर्जी। 25 साल के साथ के बाद अब अलग होने का फैसला। विवादों के बीच शुरू हुआ 44वां इंटरनेशनल मॉस्को फिल्म फेस्टिवल। यूक्रेन युद्ध की वजह से ज्यादातर पश्चिमी देशों ने शामिल होने से किया इनकार। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों का दावा, पिछली बार से 3 गुना ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं। 65 देशों की 230 फिल्में होंगी शामिल। बॉर्डर पर सिद्धू मूसेवाला के गाने पर डांस करते दिखे भारत और पाकिस्तान के जवान। वीडियो में भारतीय सैनिक डांस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। इंदौर नई दिल्ली ट्रेन में ड्यूटी को लेकर हंगामा। कोटा रेल मंडल के कर्मचारियों ने TTI ड्राइवर और गार्ड के साथ शुरू किया विवाद, जिससे ट्रेन के यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। राजस्थान के भरतपुर में अजीबोगरीब नजारा। छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रत्याशियों ने लड़कियों का वोट लेने के लिए पैरों पर गिरे। मध्य प्रदेश के उमरिया में पुल के बिना जान जोखिम में डाल रहे हैं स्कूली बच्चे। नदी की तेज धार में पार करते आते हैं स्कूल। नासिक में पेट्रोल पंप पर काम कर रही महिला पर धारदार हथियार से हमला। एक शख्स ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर हसिया से हमला किया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के नीमच में बाढ़ बनी परेशानी। प्रेग्नेंट महिला को JCB से पार कराया गया पुलिया। बाढ़ की वजह से गाड़ियों का आना जाना बंद। अमेरिका में एक डिनर पार्टी के दौरान नेवी के अधिकारियों ने गाया कल होना हो गाना। करण जौहर की फिल्म का है गाना, वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।